के कि कैसे देखिए यहाँ पर जो है शेषनाग जैसे जो है जीव निकाल रहे हैं और अपना विष दे रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ का। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अंजू डेली ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम आप लोग को जैसे पता होगा कि हमारे भक्ति धाम मनगर में, और यहाँ पर मनगर में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर पीछे का कुछ बैग नज़ारा है और काफी अच्छा यहाँ पर जो है घूमने का वाला जगह है। यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है कपल भी आते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर इसके अंदर जाकर हम दिखाते हैं। और दोस्तों अंदर वीडियो अलाउ नहीं है बनाना, फिलहाल कोशिश करेंगे, देखिए कोशिश करते हैं, हो सकता है बनाने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, बैक कैमरे से आप सभी को एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों बैक कैमरे से हम आप सभी को दिखा रहे हैं, देखिए, और चलते हैं अंदर। और ये सीढ़ी है, सीढ़ी से चल रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पीछे का काफ़ी अच्छा जो है मंदिर का नज़ारा है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोस्त लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी कपल भी आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वीडियो क्लिक करा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा हो गया है। और दोस्तों फिलहाल अभी शाम हो रही है, अभी पूरी तरह से शाम नहीं हो पाई है। फिलहाल दोस्तों आप सभी को दिखा देते हैं, देख सकते हैं, और इसके बाद अंदर का नज़ारा देखते हैं, कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। तो आप लोग पहले ब्लॉग में हमारे बने रहें, और देख सकते हैं यहाँ का कुछ नीचे का नज़ारा आप सभी को ऐसे दिखा देते हैं। और काफ़ी दूर में बना हुआ यह भव्य मंदिर है दोस्तों, आप सभी को दिखा देते हैं। और देखिए पीछे वाला जो मंदिर है, ये पीछे वाला मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दोस्तों फिलहाल अभी भीड़ नहीं है क्योंकि अभी शाम हो रही है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, और आप सभी को यहाँ का पीछे का भी नज़ारा दिखा देते हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर अब जाएंगे, देखिए इसके अंदर जाने पर देखिए वीडियो बनाने नहीं दिया जाता है। फिलहाल देखिए कोशिश करेंगे, वीडियो अगर बनाने को मिल जाता है तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे बने रहें दोस्तों, आप लोग अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मंदिर परिसर में किसी भी मादक पदार्थ का लाना एवं सेवन पूर्णतया वर्जित है। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। ताजमहल देखने आए हैं दोस्तों, आप सभी का भक्ति धाम मनगढ़ में हार्दिक अभिनंदन है। भक्ति धाम मनगढ़ विश्व के। तो देख सकते हैं एक दादी डांस कर रही हैं, जो कि नृत्य कर रही हैं, और राधा कृष्ण का धुन बज रहा है, तो काफ़ी अच्छा नृत्य कर रही हैं। और काफ़ी लोग यहां पर नृत्य भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा अच्छा यहां का नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों, आप सभी को बता दूँ। बहुत ही, अगर आप लोग अगर नहीं आए हैं तो आप लोग को बता दूँ कहाँ से आना है आपको। दोस्तों आपको लखनऊ रोड पर कुंडा आना है, कुंडा से दोस्तों आप सभी को बता दूँ बाएँ तरफ, अगर आप इलाहाबाद की तरफ से आते हैं तो आपको और दाएं तरफ से आपको मुड़ना होगा। कहीं भी आप पूछ सकते हैं कि भक्ति धाम मनगढ़ हमको जाना है, तो वहां पर सभी बता देंगे दोस्तों। बाकी हर जगह बोर्ड लगा हुआ है भक्ति धाम मनगढ़ जाने के लिए। तो आप लोग को यह जानकारी शायद अच्छी लगी हो, और दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं आप भी आ सकते हैं। यहाँ पर पूरा चीज़ का, हर चीज़ का निःशुल्क है दोस्तों। यहाँ पर आप बाइक भी अपना पार्क कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क, अपना जूता चप्पल भी रख सकते हैं, वो भी निःशुल्क। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा देखने वाले के लायक रहता है। तो आप लोग भगवान, आप लोग एक बार जरूर आइए यहाँ का दर्शन कीजिए कृपालुदास मंदिर का, और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग भी आएंगे तो। यहाँ पर आपके मन को शांति मिलेगा दोस्तों, और एक बार आप लोग जरूर आइए भक्ति धाम मनगढ़ में। हम तो कहते हैं कि आप एक बार आ जाओगे तो आपको बार बार आने का यहाँ पर मन करेगा, क्योंकि दोस्तों हम भी पहली बार आए हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से जाओ, बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिला होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि दोस्तों हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अब आप लोग के लिए। हम देखिए मनगढ़ आए हैं और यहाँ पर आप लोग को मंदिर दिखाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से यहाँ पर दोस्तों अंग्रेज भी आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर मनगढ़ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों। अपना यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है कि यहाँ पर जो आता है हमेशा सदैव खुश रहता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए दोस्तों। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आगे का वीडियो चलिए दिखाते हैं। Gracias.
तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं। और अभी आपको चलते हैं, रात वाला जो सीन बोले थे हम आपको दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और इधर देख सकते हैं रात में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को दिख रहा, आपको मिल रहा होगा, काफ़ी अच्छा है। और चलिए आप सभी को दिखाते हैं वहाँ पर जहाँ पर कृष्ण भगवान नृत्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों रात में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, हालांकि लाइट का फोकस पड़ रहा है इसलिए आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, पहले वाले जो वीडियो में आप सभी को जब दिन था उसका नज़ारा कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, और यहां पर फोकस की वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। और बाकी आगे का चलते हैं, आपको सीन दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा आप सभी को रात वाला देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं काफ़ी HD क्वालिटी में आ रहा है वीडियो, देख सकते हैं बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ का, देख सकते हैं। और आप सभी को कुछ इस तरह का सीन भी दिखा देते हैं इधर का, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन आपको नज़र आने वाला है, देख सकते हैं कैसा जो है राधा कृष्ण अपने गोपियों के साथ कृष्ण भगवान जो है नृत्य कर रहे हैं। और देख सकते हैं आपको इधर का नज़ारा दिखा देते हैं, और जहरीला सांप भी आप सभी को जहरीला जो है नागफन जो है दिखा देते हैं कि जो शेष नाग है बहुत ही जहरीला है, आप सभी को दिखा देते हैं कैसे विष उगलते हैं यहाँ पर, सारा कुछ देखने को आप सभी को मिलेगा। बाकी काफी ज्यादा दोस्तों अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, बाकी काफी अच्छा देख सकते हैं नृत्य कर रहे हैं कृष्ण भगवान। आप सभी को थोड़ा एक बार पास से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग ऐसे ही बने रहे वीडियो में। तो देख सकते हैं कैसे कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं, और इधर अपना जो है विषैला जो है विष अपना निकाल रहे हैं, और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रात का नज़ारा कुछ अलग यहाँ का होता है। और फिलहाल देखिए दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा उतना भीड़ नहीं है, और काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अपने चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सुबह का वीडियो आप लोग को मैंने जो कहा था वो आप लोग को अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों आगे का कुछ सीन दिखाते हैं, एक बार फिलहाल दिखा देते हैं आपको जूम करके कि कैसे देखिए यहाँ पर जो है शेष नाग जैसे जो है जीव निकाल रहे हैं और अपना विष दे रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा होने वाला है, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो चलिए दोस्तों आगे का हम सीन दिखाते हैं आप सभी को।